सो हे गाइस, वेलकम बैक करते नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं फार्म। किस चीज़ का फार्म? शीप का फार्म। एंड आज हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। इंट्रो को मैंने तहस नहस कर दी ना, खैर कोई बात नहीं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड जो भी चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरे लिए वो बहुत मायने लगता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके गाइस, तो गेम में आ चुके हैं एंड हाँ, शीप फार्म बनाना शुरू करते हैं। बट उससे पहले जो जगह आप देख रहे हो, ये मतलब मेरे को प्लेन करना है, लाइक थोड़ा सा प्लेन करना है, ताकि मैं इधर ना मतलब स्पेस बना सकूँ और उधर मैं फार्म बना सकूँ शीप का, ताकि वो ऑर्गेनाइज रहे। भाई मेरे को ऑर्गेनाइज चीज़ें पसंद है भाई, बिल्कुल पसंद है। ये रही एक राशवेल और ये रहा एक्स, मैंने इधर रख के रखा था ऑलरेडी, बहुत टाइम से पड़ा था एक्चुअली, मैं यूज़ नहीं कर रहा था। ओ मेरे को ना इधर से पेड़ मतलब खुद से पेड़ उगाना पड़ेगा अभी, मेरे को सैपलिंग्स वगैरह भी चाहिए होंगे। सैपलिंग्स होनी चाहिए इधर कहीं पे। मेरा सैपलिंग, ये रहा ओक का सैपलिंग, बोन ये रहा, 15 बोन ले लेते हैं एंड बना लो इसके बोन मिल। ओके चलो जल्दी से पेड़ लगाते हैं, तोड़ते हैं, लगाते हैं, तोड़ते हैं। ओके इतना काफ़ी है। लगाओ उगाओ, लगाओ उगाओ, लगाओ उगाओ, उग जा भाई। अरे अरे अरे, मेरे को नीचे नहीं लेने खाया था। अरे उग जा, छोटे पेड़ उग रहे। ओके इतना ही हो गए, बट कोई नहीं, जितना भी हो गए इनफ है भाई, बस दो ही तो नहीं हो गए। खैर चलो जल्दी से तोड़ते हैं इसको। अरे भाई बारिश भी शुरू हो गई यार, अब बारिश में कैसे मजदूरी करूंगा मैं। मेरे को बारिश में ना शांति से पकौड़े लेके शांति से बैठ के चिल करना अच्छा लगता, मेरे को मजदूरी नहीं होती भाई मेरे से बारिश में। ओके गाइस, तो सारे के सारे पेड़ हलाल हो चुके हैं जैसे कि आप सभी देख सकते हो। एक बच गया भाई, मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है। ये पेड़ छुप गया था, इनविजिबल था थोड़ी देर पहले, ये पेड़ अभी अचानक से विजिबल हो गया। मेरी आंखें कमजोर नहीं है सच्ची में। ये सैपलिंग्स जो बची हुई हैं इनको वापस से डाल देते हैं। सैपलिंग्स वाली ये रही बॉक्स, सैपलिंग्स वापस से डाल दो। एंड हमारे पास है 60 लॉग्स, इतना इनफ रहेगा। एंड पहले इसको प्लेन करते हैं, उसके लिए भी हमें थोड़ा अरे हाँ टेस्ट करके देखता हूँ ना, पिछले वीडियो में इसको बनाया था क्या। ओ भाई बहुत अच्छी नॉकबैक दे रहा है ये, मानना पड़ेगा नॉकबैक अच्छा है, बट स्कैलरी से फाइट लेने के लिए परफेक्ट नहीं है। खैर जो भी हो, चलते हैं ऊपर एंड सो जाते हैं। सो जा भाई, जल जा स्वाहा। भाई क्या मस्त लग रहा है पानी, ये देखो पूरा पानी, ऐसा लग रहा है रियल में बारिश हुआ है, पूरा पानी जमा हुआ है जमीन के ऊपर में। खैर चलो मिट्टी विट्टी समेटा अपना शुरू करते हैं एंड इसको प्लेन करते हैं। मैं सोच रहा ना मैं नीचे से उठा के मिट्टी ऊपर की तरफ बस प्लेन कर दो, अब उससे इतना प्लेन कर देने से हो जाएगा, या फिर इतना करते ना प्लेन। चलो हाँ इतना प्लेन कर देते, इतने में हो जाएगा। भाई तुम लोगों को साइड करना पड़ेगा पहले, तुम्हारे को हट जा। ये दो ही मिला भाई, एक किधर गया? ओ क्रीपर 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 क्रीपर, देख देख देख, चीटिंग करता है तू है। पहले तो तुम लोग साइड हो जाओ भाई, हाँ आ जाओ आ जाओ, तुम्हारा ये खूंटा मैं उखाड़ लेता हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सबके सब आ जाओ, इधर इधर, अब से तुम्हारा नया घर इस तरफ होगा, आ जाओ और यहाँ पे रहो तुम लोग, ठीक है। एक इधर है कोने में, तू भाई अंदर जा, वो अंदर रहेगा। एक और है मेरे पे, बड़े शरारती है ये, जा भाई। ओ भाई थोड़ा दूर रहे, उठ जाते ये लोग, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे से अभी उठ ही नहीं रहे, पता नहीं क्यों। खैर मैं इसको बाद में लेके जाऊंगा, तो इधर ही रहे भाई, मैं तेरे को बाद में आऊंगा लेने। आई गेस अभी फिलहाल के लिए इतना मिट्टी के काफी रहेगा, लगाना शुरू करते हैं। मिट्टी खत्म हो गई, मेरे को जाके लाना पड़ेगा बेस में से, मेरे ख्याल से बेस में भी होना चाहिए बहुत सारी मिट्टियाँ। ओ ये रही, मेरे को पता था भाई मिट्टियों की कमी नहीं है अपने पास, बहुत सारी मिट्टियाँ अपने पास, डेट्स ही डेट्स होंगी। ओके तो प्लेन हो चुका है, मैं चाहूँ तो एक दो ब्लॉक और प्लेन कर सकता हूँ, लाइक ओ मैंने उधर जितने तक माइंड किया ना, मेरे को उतना तक प्लेन करना है, मैं भूल गया था। और ये रहे कुछ लास्ट के ब्लॉक, एंड मेरे को फिर इस तरह से ऐसे करके प्लेन कर देना, ताकि मैं ऊपर चढ़ने में मुझे कोई दिक्कत ना। एंड हियर वी गो, हो गया सारा का सारा प्लेन। एंड ये थोड़ी देर में इसमें ग्रास भी उग जाएगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं कि ग्रास नहीं उगेगा, ऐसी बात नहीं है, ग्रास भी उग जाएगा इस पे थोड़ी देर में। एंड ये प्लेन भी हो चुका है, थोड़ा बहुत अच्छा भी लग रहा है। तो इसके सामने हम बनाने वाले हैं, लाइक जितने बड़ा ये होने वाला, मतलब एग्जैक्टली नहीं कि जितना बड़ा ये है उतना बड़ा वो होगा, छोटा ही बनाएंगे, बट स्टिल एस इसके सामने बनाने वाले हम। ओके सारे के सारे मैंने प्लैंक्स बना लिए, अभी मैं बनाऊंगा इनके स्टिक, ये रहे हमारे पास स्टिक्स, और अभी मैं बनाने वाला हूँ फेंस। अब उससे इतना फेंस काफी रहेगा, लाइक इतना फेंस बहुत ही ज्यादा है। कितने ब्लॉक्स मैं छोड़ने वाला था इसमें से, लाइक इसको जोड़ के हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि ये ओके ठीक है, इस हिसाब से हमें छोड़ना पड़ेगा, लाइक इसके साथ हमें चलना पड़ेगा। और ज्यादा इधर आ गया भाई, इतना इधर भी नहीं लेना था मेरे को, एक ब्लॉक इधर से छोड़ के चलूंगा मैं। हाँ इतना बड़ा ठीक है, इतना बड़ा वो, इतना बड़ा ये,
ओके ये हो गया। एंड उधर भी हम फार्म बनाएंगे तो उसके लिए हम ये जगह छोड़ने वाले हैं ताकि हम कोई और फार्म वगैरह बनाए ना, लाइक अगर मेरे को इसके उसके सामने भी मैं इधर एक फार्म बना सकता हूँ तो उसके लिए छोड़ा हुआ है हमने वो जगह। एंड हमें और भी कुछ फार्म वगैरह बनाने, लाइक हमारे पास बहुत सारे सीड्स हो गए, लाइक बीट रूट के सीड्स हो गए और भी बहुत सारे सीड्स वगैरह हैं वो सब हो गए हमारे पास, तो उसके लिए भी हमने जगह छोड़ के रखी है उस तरफ। मेरे को थोड़े बहुत और वुड्स चाहिए होंगे क्योंकि मैंने सारा का सारा वो फेंस बनाने में ही लगा दिया, मैंने वो डोर बनाया नहीं। अब उससे इतना ही नफ रहेगा। एंड अब मेरे को इसका गेट बनाना है, किधर गया गेट के, ये रहा गेट, दो गेट बनाया है मैंने एंड एक गेट जाएगा यहाँ पे। अभी आराम से हम जाके अंदर फार्मिंग वगैरह कर से, नॉट फार्मिंग, हमें शीप लाना है ना। ओके ये हो गया, ऐसा फेंस बन चुका है एंड यहाँ पे और मैं सेम टू सेम नहीं बना रहा है, लाइक उस तरफ जैसा है वैसा मैं सेम टू सेम इस तरफ नीचे अपने वाला क्योंकि ये थोड़ा सा सिंपल रखने वाला हूँ मैं। एंड इसमें हम शीप डालने वाले अभी लाके, बट उससे पहले मैं सारे के सारे आलतू फालतू चीजें इधर खाली करने वाला हूँ, अपना इन्वेंट्री खाली रखने वाला हूँ। भाई इसको खाना भी कितना खाना होता है, इतने सारे ब्रेड्स खा के कहाँ जाएगा ये, तनवेल जाएगा बिकने पक्का। यहाँ से ले लेते थोड़े बहुत वीट, आई वुड से 3 वीट इनफ रहेंगे शीप्स को उठा के लाने के लिए। यहाँ पे होंगे ना, यहाँ पे भी और होंगे, लाइक चलो एक स्टैक ही ले लेते पूरा का पूरा। इतने इतने भाई बहुत है ब्रीड करवाने के लिए भी और लेके आने के लिए भी, इतने इनफ होने वाले, तो चलो जल्दी से ढूंढते हैं शीप्स वगैरह किधर है। आई होप ज्यादा दूर ना हो। ओ शीप मिल गई, शीप मिल गई, शीप मिल गई, ये और दो दो है भाई शीप्स। शीप्स मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ, चलो आ जाओ भाई, घर चलो, घर चलो, घर चलो, शीप्स दो इनफ रहेंगे। ओ भाई और शीप है, शीप्स इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, साथ में चलो, मेरे साथ में चलो, जल्दी 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 भाई, रात भी रखा है। ये भी सबसे बड़ी दिक्कत होने वाली है भाई, ये बस मर ना जाए या फिर डिस्पॉन ना हो जाए। चलो 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 शीप्स लाइन लगा के चलो, मालिक तुम्हें खाना देंगे, जल्दी चलो घर पे चलते ही खाना देंगे मालिक तुमको। अबे आ जाओ भाई, नौटंकी मत करो, आ जाओ ना महारानी, आ जाओ। भाई मैं घर के पास पाके नहीं मर सकता। ओके अभी सो जाता हूँ, अभी ये डिस्पॉन नहीं होने वाले, मैं घर के बहुत पास आ चुका हूँ भाई, इतने सारे इन लोगों ने मार के रखे थे ना। घर क्या काम, सो जाओ भाई, मैं उड़ रहा हूँ बेड के ऊपर, मैं जा दू तुम्हारी ऐसी की, जल के राख हो जाओ। ओ, ओ, आ, भाई, भाई 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 मेरे से दूर है, दूर है, मेरे पे हेल्थ नहीं है भाई, दूर है मेरे से, दूर है, दूर है, दूर है, दूरी बनाए रखे, एक हाथ की दूरी है जरूरी। कैली मर रहा है फिर, कैली आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, सबके सब आ जाओ, जल्दी आओ, सबको खाना दूंगा, सबको खाना दूंगा। ये बात अलग है कि मैं तुम लोगों को बाद में मार दूंगा, लेकिन सबको खाना दूंगा। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ये लो, ये लो, ये लो, जल्दी से ब्रीड करो, बच्चे पैदा करो ताकि मैं हो गया, ये बच्चा भी हो गई, कितनी प्यारी लग रही है भाई, एक्सपी दे दो मेरे को, एक्सपी एक्सपी, जल्दी से तुम लोग बच्चे बच्चे पैदा करो भाई आराम से, ताकि मैं अच्छा खासा खाना पीना एकदम रहीजो वाली जिंदगी जियो, शीप्स को मारू, खाना खाता रहो, कोई टेंशन नहीं, बस मैं वेजू बट सेल, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। एंड द मेन रीजन लाइक इस वीडियो में मेरे को शीप फार्म बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मुझे चाहिए थी भाई नेदरराइट, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बनाया है डायमंड का सॉल्ट, मेरे को नेदरराइट चाहिए, नेदरराइट के लिए मेरे को माइंड करना पड़ेगा नेदर में जाके, वो मैं नहीं चाहता, मैं बस ब्लास्ट करूंगा, ब्लास्ट करके आराम से देखता रहूंगा, बेड्स बनाऊंगा, ब्लास्ट करूंगा, आराम से देखूंगा, इजली भाई इजली मेरे को नेदरराइट मिलेगा। खैर जो भी है अगले वीडियो में देखते हैं कैसे मैं नेदरराइट लेके आता हूं, एंड जो भी है तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलता आप लोगों से अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।